हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे एंड डेट मुझे याद नहीं है। हाँ, 1 जून है आज। यस, आज महीने का पहला दिन है, यानी आज ही वीडियो मैंने शूट किया है और आज ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो थोड़ा सा है ना, वीडियोज़ थोड़ा उल्टा पुल्टा सा रहेगी इस बार। तो बस सुबह सुबह जो मेरा है ना पार्सल आ गया है, कई सारी चीज़ें जो मैंने मंगवाई थी, और सुबह की चाय बन रही है। लाइट ऑन कर देती हूँ, पूरी लाइट ऑन नहीं थी, तो सुबह अदरक और तुलसी वाली चाय अच्छा लगेगी। और भाई साहब, ये है मेरे किचन की हालत। कल रात को परी ने अपनी रोटियाँ, सॉरी, मेरे लिए रोटी बनाई थी, तो किचन की बहुत बुरी हालत थी बस, और मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो जितना हुआ मैंने रात को ही कर दिया, बाकी सब छोड़ दिया। गैस की भी हालत ख़राब है, तो मैडम को कल बारिश हो रही थी, पकोड़े खाने थे, तो उसके लिए शाम को पकोड़े बनाए थे और फिर रात को रोटी बनी थी। पहले उसने बनाई थी, फिर मैंने बनाई, तो थोड़ा बिखरा हुआ था किचन, बट छोड़ दिया था। बस अब सुबह उठ के आया, थोड़ा सा एनर्जी फील हो रही है मॉर्निंग में, तो चाय बना लेती हूँ। और चाय मैंने सोचा है कि चीनी को बना थोड़ा सा हटा देंगे अपनी लिस्ट से, क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है। आप लोग भी बोलने लग गए हो कि कम करो, क्योंकि सच में यार वेट है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज सुबह ही वेट मैंने चेक किया था तो 58 था। तो बट सुबह सुबह तो एक चाय चाहिए मुझे चीनी की, और ये देखो शुगर फ्री ला के रखा हुआ है, यूज़ करूँगी। ये कि हाँ, दिन में अगर मैं 4 कप पी रही हूँ तो एक सुबह शाम के तो चीनी वाली चाय चाहिए, बाकी दिन में अगर पी रही हूँ तो मैं शुगर फ्री यूज़ कर लूँगी, और फिर धीरे धीरे सुबह शाम वाले भी है ना वो छोड़ दूँगी। तो ये मैंने पार्सल मंगवाया था, तो चलो देखते हैं कि इस पार्सल में क्या क्या आया है। ये वैसे अभी सुबह ही मैंने मंगवाया है, क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए और फिर लंच के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी। हम एक्चुअली गए हुए थे बाहर, पहले हैदराबाद गए थे, फिर बॉम्बे गए थे, वहाँ से आने के बाद गुड़गांव चले गई थी मैं। तो सारी चीज़ें लाइंड अप है, शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो कुछ था नहीं घर पे, तो मैंने एग मंगवाए हैं, और एगोज के ही मंगवाए मैंने इस बार, और ये ग्रीक योगर्ट मंगवाई है, और ये मैंने ना सारे ही फ्लेवर्स की मंगवा ली है, तो सही लगती है, और इनको मतलब हम ले सकते हैं डाइट में भी। और यस, आज से मैंने अपनी जो डाइट है वो भी शुरू कर दिया। डाइट मीन्स वो वाली डाइट नहीं होती, डाइट का मतलब होता है जैसे चाय कम कर दी है, बाहर का खाना है वो कम कर दिया, मतलब जो फ्राइड फूड बोलते हैं उसको, मतलब जैसे गोलगप्पे खाना है, मोस्टली तो मेरे गोलगप्पे ही होते हैं, कुछ भी मतलब मीठा उसको छोड़ना इस तरह से। और ये प्लेन वाली मंगवाई है मैंने बाकी सब के लिए, और 2 पनीर के पैकेट मंगवाए हैं, क्योंकि भाई पनीर तो चाहिए प्रोटीन में। तो ये सब चीज़ें हो गई, मेरे ब्रेकफास्ट की बैग हो गया खाली, तो चलो इनको फटाफट से जो है ना फ्रिज में लगा देते हैं सबको। और साथ के साथ जो है चाय बन रही है, और ब्रेकफास्ट के साथ ही जो है ना मैं लंच की तैयारी है वो भी कर लूँगी। तो चाय बॉईल हो गई, जब तक मैंने सामान को निकाला है बस अब दूध डाल देते हैं। और यस, ये भी रहता है जैसे फुल क्रीम की जगह में ना टोंड वाला मिल्क है वो यूज़ कर रहे हो, या फिर लो फैट मिल्क है काव वाला वो यूज़ कर लिया। और लंच की प्रिपरेशन के लिए मैंने जो है ना भिंडी ले ली है, तो एक पाव ही बनाऊँगी, 2 मंगवाए थे पैकेट मैंने, एक एक पाव के, इसको धोने के लिए मैंने रख दिया है। तो भिंडी थोड़ा सूख जाएगी, क्योंकि वो सूख जाती है ना तभी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे बस चाय भी बन गई, तो एक साथ है ना ऐसे कई काम हो जाते हैं, ये नहीं रहता कि हाँ चाय के लिए बस खड़े रहो, तो साथ के साथ छोटे मोटे जो काम है अपने वो निपटाते रहो, तो काम है ना थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है उससे। तो चलो बस अब इनको मैं फ्रिज के अंदर सेट कर देती हूँ। अब ना रैबिट्स बड़े हो गए हैं, शैतानियाँ होने लग गई है। ये देखो परी की चप्पल काट दी है, और वॉलपेपर है ना सारे वॉलपेपर नीचे से इन्होंने खा लिए हैं। पता नहीं किस टाइम में इनको टाइम मिलता है, जब भी मौका मिलता है फटाफट से मतलब अपना जाके और उनको कुतरने लग जाते हैं, तो सारे वॉलपेपर नीचे से खा लिया और ये भी खा लिया। लगता ना अब इनको बंद करके ही रखना पड़ेगा, और सोफ़ा भी काट दिया है कहीं से। और ये देखो इनको सुबह खोलते ही ना, सुबह जैसे रात भर में इनको पिंजरे में रखती हूँ, रात को नहीं खोल के रखती फॉर सेफ्टी पर्पज, तो सुबह उठते ना पूरे घर की ऐसे इंक्वायरी करने जाते हैं कि मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। और ये वाला ज़्यादा शैतान है, वो थोड़ा कम है वाइट वाला, ये ज़्यादा ही शैतान है। तो पूरे घर का इनको एक बार मुआयना करना होता है कि कहाँ पर क्या है, कुछ चेंज तो नहीं हुआ है।
और मतलब कहीं पे जैसे मैट है इसको भी काटने लग जाएंगे, जो भी चीज़ें मिलेंगी ना अब ये है ना काटने लग गया, तो एक मेरा चार्जर है वो भी ख़राब कर दिया, तो अब इनका थोड़ा ना ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो बहुत प्यारे हैं, मतलब सही है, कुछ नहीं है मतलब, और शोर भी नहीं करते और मन लगा के भी रखते हैं। और ये देखो बेड पर भी चढ़ जाते हैं, बेड पर तो बहुत पहले से चढ़ते हैं, लेकिन मतलब बेड पर ना इनको बड़ा मज़ा आता है, बेड पर और सोफ़े पर ना बड़ी मस्ती करते हैं ये। फ्रेंड्स सुबह सुबह डिसाइड हुआ है ऑमलेट खाना, तो मैं बना रही हूँ नीरव के लिए। नीरव के लिए सिंपल ऑमलेट बना रही हूँ, 3 एग का और उसमें ओरिगैनो और पिज़्ज़ा सीजनिंग ये सब डाल लिया है और थोड़े से चिली फ्लेक्स, तो उसके लिए बना दूंगी। अपने लिए मैंने जो है अनियन और शिमला मिर्च है वो कट कर ली है और थोड़ा सा हरा धनिया भी, और पालक डाल के बनाना तो और भी टेस्टी लगता है, बट पालक थी नहीं मेरे पास, तो बहुत यम्मी लगता है पालक वाला जो क्या बोलते हैं इसको ऑमलेट। और मैंने 1 एग पूरा लिया है और 1 का जो येलो पार्ट है ना वो निकाल दिया, तो सिर्फ 2 अंडों की जो ऑमलेट है मैं वो लूँगी ब्रेकफास्ट में, कोई ब्रेड वगैरह कुछ नहीं ले रही हूँ। हाँ बट साथ में चाय तो चाहिए ही होती है, तो चाय के बिना तो काम नहीं चलता, तो चाय और ऑमलेट है वो हो गया है हमारा ब्रेकफास्ट। और परी तो अभी उठी नहीं है, तो परी जब उठेगी तब उसका तब बनाएंगे। तो फिलहाल मुझे और नीरव को तो भूख लगी क्योंकि मैं तो काफ़ी जल्दी उठ गई थी और नीरव भी 9:15 के आसपास नीरव भी उठ गया था, मैं 6:30 के अराउंड उठी थी, तो भूख लगी हुई थी, तो हम सोचो ना पहले चलो ब्रेकफास्ट ही बना लेते हैं, काम निबड़ जाएगा। परी के लिए रख दूंगी सारी चीज़ें अलग से, और वो भी ना सिंपल ही खाते हैं, 1 अंडे के ऑमलेट उसको खानी है, साथ के साथ जो चीज़ें निकाली थी सारे मसाले वगैरह वो मैंने उठा के रख दी है, किचन हो गया है क्लीन, और फिर अपना जो है ना ब्रेकफास्ट करके फिर अपना लंच की तैयारी कर लेंगे। भिंडी धो के पोंछ के रख दी थी ताकि उनमें मॉइस्चर ना रहे। कढ़ाई के अंदर जीरा अजवाइन और सरसों डाल दी है, इसका छोक लगा देंगे। प्याज डाल दूंगी, तो मैं ना ऑलमोस्ट जितनी भिंडी होती है उसके इक्वल ही प्याज रखती हूँ, तो प्याज को कभी थोड़ा सा लंबा भी काट लेती हूँ, कभी थोड़ा छोटा काट लेती हूँ, जैसे मर्जी वैसे काट के, और बहुत ही सिंपल तरीके से जो है ना मैं अपना भिंडी बनाती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर 2-2.5 प्याज थे वो लिए हैं, उनको थोड़ा छोटा छोटा सा कट कर दिया था, उनको थोड़ा सा ना पका लूँगी, नहीं तो फिर कच्चा रहता है वो थोड़ा, तो हल्का सा इसको प्याज को थोड़ा सा पका लूँगी हल्दी डाल के, हल्दी भी अच्छे से पक जाएगी। हल्दी डाल के 1 मिनट के लिए इसको पका लेना है, उसके बाद जो भिंडी अपनी रखी हुई है उनको डाल के उनको भी अपना मिक्स कर दूँगी। तो ये बन गई मेरी प्याज वाली भिंडी, बहुत ही सिंपल, कोई इसमें मैं ना कोई खटाई नहीं डालती, मतलब जो खटाई को क्या बोलते हैं अमचूर, कोई भी अमचूर या
फर्स्ट पार्ट वगैरह नहीं डालती हूँ। और तब तक परी उठ गई थी, तो परी ने बोला मैं खुद ही मिक्स करूँगी, तो मैंने उसको नीचे बिठा दिया है कि आराम से मिक्स कर ले। और मैं आटा गूंद के रख दूँगी लंच के लिए, तो आटा और सब्जी बनी गई है तो लंच भी रेडी हो जाएगा। तो बस फटाफट से फिर अपना रोटियाँ सेकनी है और लंच अपना रेडी है। तो यहाँ पर मेरी भिंडी बन के रेडी हो गई, आटा गूंद दिया है, इसको लगा दूँगी फ्रिज में, दोपहर को जब लंच बनेगा तब अपना निकाल लेंगे। तो चलिए अब आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स हेलो, ऑफिशियली इससे पहले जो व्लॉग देखा वो मॉर्निंग का था और अभी टाइम हो चुका है 1:45। तो यस, फाइनली आज मैं जो गुड न्यूज़ है वो शेयर कर रही हूँ। वैसे वो मुझे गुड न्यूज़ विनोद के साथ शेयर करनी थी, बट विनोद बिजी चल रहे हैं और मैं इसको अब और डिले नहीं करना चाहती इस वीडियो को। तो मेरे स्माइल से आपको पता चल रहा होगा कि हाँ गुड न्यूज़ है कुछ अच्छी सी। और आप लोगों में से ना बहुत सारे लोगों ने गैस कर लिया था कि हम किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो गुड न्यूज़ क्या है। तो यस, मैं जा रही हूँ अब्रॉड और मेरा वीज़ा आ चुका है, सब कुछ डन हो चुका है, टिकट्स बुक हो चुकी है, वीज़ा आ गया है, सारी प्रोसेसिंग डन हो गई है। मतलब बाकी का जो काम है वो बचाओ मतलब, लेकिन जो मेन होता है वो वीज़ा आने का होता है। तो मेरा वीज़ा आ चुका है और यही वो गुड न्यूज़ थी जो मैं आप लोगों को देना चाह रहे थे हम, और जिसके लिए हम एक साल से मेहनत कर रहे हैं। तो जो एक साल की मेहनत है, हमारी पूरी स्टोरी क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगले से अगले वीडियो में, विनोद के साथ बैठ के फुल एक साल का जो हमारी जर्नी है वो कैसी स्टार्ट हुई, हमने क्या किया है, कैसे जा रही हैं, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। इस वीडियो में अभी शेयर नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं बता रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगी। और जो हमारे प्लान्स हैं वो भी शेयर करूंगी, क्योंकि अब ऐसा कुछ नहीं है जो छुपाने वाला है कि नहीं बताना। एक्चुअली मैं ये चीज़ बता पहले भी बता सकती थी, बट थोड़ा सा रहता है ना कि नहीं, जब तक एक फाइनल चीज़ ना हो जाए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ थी जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हम जिसके लिए हम मेहनत कर सकते हैं, बट रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं था इसका। तो पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता, और फिर थोड़ा सा सोसाइटी प्रेशर रहता है कि आप सबको जो बता देते हो तो फिर थोड़ा सा रहता है ना कि लोग मजाक भी करते हैं, अच्छा ये तो ये कर रहा था, नहीं हुआ, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो मतलब बाहर जाना एक बिग डील, और वो भी आपकी ड्रीम कंट्री में। मतलब हमारे पास काफ़ी ऑप्शन थे, बट हमने एक ही कंट्री चूज़ की, और उसके अलावा हमने कोई दूसरी कंट्री के बारे में सोचा ही नहीं, वही हमारी ड्रीम कंट्री है और वहीं हमें जाना है। तो बस यही था, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतना विश किया और जो मैंने मेहनत की है उसका रिजल्ट मिला। तो एक साल का सारा जर्नी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, बस इस वीडियो में इतना ही कि यस मेरा वीज़ा आ गया, टिकट्स बुक हो गई है, अभी शॉपिंग होगी, बाकी सारी चीज़ें भी डन होंगी। तो स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें होती जाएंगी वो सारी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब कुछ भी छुपाने वाला नहीं है, ये नहीं बताना कि मैं कहाँ बिजी हूँ और कुछ बिजी थी और वो, इसी वजह से ना थोड़ा सा मतलब ऐसे स्केड्यूल चल रहा है। तो मतलब पहले वहाँ बिजी थे, फिर पापा और भाई, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही हो गया था। तो वीडियोस नहीं आ पा रही थी, मूड भी नहीं था। तो आई नो कि मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ें बैक टू बैक चल रही थी, तो थोड़ा सा रहता है माइंड में भी और चीज़ें, मतलब हाँ मैं खुश हूँ और शायद मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, जितना खुश मैं अब हूँ ना, उतना खुश शायद जब हमारा वीज़ा आया था, मतलब जो मेल आई थी कि वीज़ा अप्रूव हो गया, आपका वीज़ा आ गया है, पासपोर्ट सबमिट करवा दो स्टैम्पिंग के लिए, तब भी हम इतने नहीं थे। बस ये था कि हाँ जो मेल मैं ओपन कर रही थी, हम गए हुए थे हैदराबाद उस टाइम पे 19 मई को, मेरे को जो मेल मिली है तो उसमें क्या था ना कि मैंने डेली चेक कर रही थी, मतलब जब से मैंने वीज़ा अपना जो प्रोसेस शुरू किया था, मतलब बायोमेट्रिक वगैरह मैं दे के आई थी, जो वीज़ा के लिए फाइल गई हुई थी, तब से मैं डेली अपने मेल ओपन करके देख रही थी कि कुछ आया कुछ आया कुछ आया, लेकिन कभी नहीं, मतलब आया ही नहीं थे मेल। और हम 18th को यहाँ से गए थे, पूरी रात की हमारी ट्रेन थी, और 19th को हम शाम को पहुँचे थे अपने जो रूम हम लोगों ने बुक करवाया था वहाँ पर। तो मैंने बस ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी कि क्या 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 नोटिफिकेशन आया हुआ है, और वहाँ पर मुझे दिखाई दिया IRCC से मेल आई है,
और मेरे सामने नीरव और विनोद खड़े थे और मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। मैं क्या आया है, क्या आया, उसको खोल के देखूँ। मैं कहा हे भगवान बस ये हो कि हाँ अप्रूव हो गया है और फिर मैं लोगों को बताऊँगी। और मैंने उसको जैसे ओपन किया तो हो गया और मेरे सामने ही खड़े हुए थे। और फिर मैंने बस उनको बोला कि हाँ वीज़ा आ गया, तो ना खुश थे, बट इतना ज़्यादा खुश जितना मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना, मैं आपके सामने इतना ज़्यादा खुश और उस टाइप के तो खुश नहीं थे। थोड़ी सी चीज़ें होती है कि एक सैड पार्ट भी आपकी लाइफ में चल रहा है और एक ये वाला मोमेंट भी आपकी लाइफ में चल रहा है, तो पूरी शेयर करूंगी मैं, क्योंकि इस जर्नी को ना हम सेलिब्रेट कर ही नहीं पाए, उस तरह से नहीं कर पाई, मैं शेयर नहीं कर पाई और मतलब सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए। वो जो मतलब एक जो खुशी होनी थी, जो हमें एक साल से मेहनत कर रहे थे, जो खुशी होनी थी उसको शायद एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। अभी कर रही हूँ आप लोगों के साथ में मैं, और इसीलिए मुझे मतलब अच्छा लगता है यूट्यूब, और मैं नहीं छोड़ सकती चाहे व्यूज़ आए ना आए। मतलब मैं जब भी मुझे मतलब ऐसी कोई चीज़ होती है तो मैं आप लोगों के साथ खुल के उस चीज़ को शेयर करती हूँ और अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें मुझे शेयर करनी थी विनोद के साथ में, बट विनोद बिजी है। बट हाँ, जो अपनी पूरी जर्नी है मैं विनोद के साथ बैठ के आज ही शूट करूंगी और बहुत जल्दी वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यस, फाइनल न्यूज़ ये है कि मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ अगले वीडियो में पता चलेगा, और वो भी वीज़ा आना मेरी एज में 39 की एज में इम्पोर्टेंट, मतलब एक लकी और विदाउट एनी रिफ्यूज़ल, कोई भी रिफ्यूज़ल नहीं है, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा वीज़ा आ गया एंड इट वॉज very hard time for us, but abhi yes is celebration time। तो चलिए फिर इस वीडियो को तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बस आप लोगों को गुड न्यूज दे दी है। अब आगे की जर्नी आप लोगों के साथ ही शेयर करती रहूंगी, क्या क्या जो भी चीज़ें चल रही है वो सब चीज़ें, और बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अच्छा, आप लोग गैस कीजिएगा कि हम कौन सी कंट्री में जा रही हूँ मैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। बाकी फैमिली का क्या है वो भी आगे पता चलता रहेगा आपको, कि फैमिली के बच्चों का क्या रहेगा, विनोद का क्या है, वो सब चीज़ें आगे आपको आने वाले वीडियोस में पता चलती रहेगी। तो थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी, सारी चीज़ें एक साथ शेयर नहीं करूँगी मैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके शेयर करेंगे, मज़ा भी आएगा ना, आपको भी आएगा मुझे भी आएगा, तो सब चीज़ें शेयर करूँगी। बट यस, वी आर हैप्पी एंड अब हम सेलिब्रेट कर सकते हैं इस चीज़ को। अभी तक हमने कोई ऐसी पार्टी या मतलब कोई ऐसा सेलिब्रेशन, इवन एक छोटा सा केक या बाहर जाके खाना खाना, मतलब इस चीज़ को लेके सेलिब्रेशन हुआ ही नहीं है, मतलब समझ रहे हो आप। लेकिन हाँ, हमने सोचा था कि हमारा आएगा वीज़ा तो हम इतने खुश होंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया हमने, मतलब बस तैयारियों में ही लगे हुए हैं, उस चीज़ को सेलिब्रेट करने का हुआ ही नहीं। बट यस, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ये भी एक सेलिब्रेशन है। तो चलिए फिर आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, आप लोग कमेंट का वेट रहेगा, कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी कंट्री में मैं जा रही हूँ और कौन सी हो सकती है हमारी ड्रीम कंट्री जो हमने चूज़ की है। तो आप लोग कमेंट का वेट रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। और यस, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम मैंने रील्स डालना भी स्टार्ट किया है, थोड़ी सी कोशिश है, थोड़ी क्रिएटिविटी दिखा रही हूँ। तो जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो है इंडिया व्लॉगर मनीषा, आप इंस्टाग्राम पे जो इसको कर सकते हैं और वहाँ पे आप जो है मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो और यस, इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी सोच रहे प्लान कर रहे हैं जाने का और आपको लग रहा है कि एज है क्या नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हैं, तो आप भी प्लान कर सकते हैं। मेरी एज 39 है, 39 में मेरा वीज़ा आया है और हम जा सकते हैं, बाहर सेटल होने का सोच सकते हैं। तो सारी चीज़ें शेयर करूंगी, बट हाँ, इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और या फिर मैं अपनी जो मेल आईडी ना वो डाल दूंगी, आप उस मेल आईडी पे मुझे मेल करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूंगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बाय।